ये दोनों लड़के कभी हिंदू थे, अब इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। तो ये लड़के ठेले पे धार्मिक पुस्तकें बेच रहे थे, कुछ बुक्स इनकी थी जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थी, कुछ बुक्स इनके पास अच्छी खासी तादाद में है जो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, उसमें उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के जो श्लोक हैं उनकी परिभाषाएँ अपने ढंग से की हैं और गलत परिभाषाएँ की हैं, इससे किसी की भी धार्मिक भावनाएँ आहत हो सकती हैं। ये बुक्स वहाँ ये बांट रहे थे और उसी जिसको ये बुक्स फ्री में देते थे उनकी फ़ोटो खींच लेते थे और वो फ़ोटो अपने जो तीसरा आदमी है महमूद गाजी जिसे इन्हें बुक्स उपलब्ध कराता था उसको भेजते थे। अब वो अपने दूसरे बंदे को अबू धाबी में भेजता था फोटोग्राफ है, वहाँ से इनको फिर आर्थिक सहायता 10,000 रुपये के रूप में एक बार में वो मिलती थी, उससे पुस्तकें छपा के ये बंटवा रहे थे। उद्देश्य क्या था? कुछ उद्देश्य इनका ये था कि वहाँ बंटवा के और कुछ लोग जो सॉफ्ट टारगेट हैं उनको उनसे संपर्क किया जाए, उनको फिर कन्वर्जन के लिए तैयार किया जाए। अभी तक कुछ पता चल पाया है कितने लोगों को इन लोगों ने टारगेट भी आपने लिया है? नहीं, अभी तो बुक्स का ही यहाँ पे है, बाकी हम लोग इनका बाकी छानबीन हम लोगों ने अभी चल रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी बात की है, तो वो चीज़ें आगे जब आएंगी तो हम लोग फिर। गिरफ्तार में एक मौलाना भी है मदरसे? हाँ, जो बुक्स इनको उपलब्ध कराते थे वो हैं, मदरसे के मौलाना हैं और बाकी जो है ये लड़के दोनों जो है ये बेचते थे। किन किन जगहों पर अभी तक ये इन्होंने बेसिकली जो हिंदू धर्म के जो मंदिर या जो मेले हैं जो बड़े बड़े वहाँ पे लोग भेजते थे। कितने समय से इस पूरे कार्य में ये लड़का तो 2 साल से काम कर रहा है इसमें। एक मनीष जो गिरफ्तार है उसके भी कन्वर्जन की बात सामने? हाँ, दोनों मनीष है, वो 2 साल पहले कन्वर्ट हुआ था, अपने फूफा के साथ रह रहा था, और दूसरा ये 12 साल पहले हुआ है समीर। ये दोनों कभी हिंदू थे और एक चायल का रहने वाला, एक इलाहाबाद का ही रहने वाला है। इसका सर मास्टरमाइंड कौन है, कौन इनको पैसा देता था, दुबई भी जो पैसा? नहीं, उसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं वो चीज़ें, जहाँ अभी हम लोगों ने मेल डाले हैं तो जब सूचनाएं आ जाएंगी तो फिर हम लोग उसको। कन्वर्जन को लेकर के फंडिंग हो रही थी अभी बात ही सामने आई थी। हाँ, वो वहीं से फिर लोगों को दिमाग परिवर्तित करके फिर उसको करना है। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं सर? अब उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जो अभी हमारे नोटिस में जो लोग पकड़ में आए उनको हमने कार्रवाई की है, बाकी हम लोग गाड़ी कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। क्या प्रयागराज में और भी जगहों पर इन लोगों ने इस तरीके के धर्म परिवर्तन कराए हैं? नहीं, अभी फिलहाल में कोई धर्म परिवर्तन का कोई इनका केस यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये दो लड़के जो आज जो हम लोगों ने जेल भेज रहे हैं, ये जो बुक्स बेच रहे थे ये पहले हिंदू थे, मैंने प्रेस नोट में आपको बताया दिया है, अब वो मुस्लिम हैं। और एक बात और करते थे कि इनके हिंदू के कार्ड भी बना रखे थे, आधार कार्ड और मुस्लिम के नाम से भी, तो जब ये हिंदू मेले में या जगहों पर जाते थे वहाँ अपना आधार कार्ड ले जाते थे हिंदू वाला, जो ओरिजिनली इनका पहले नाम था उस नाम विशेषकर मेला। और उसके अलावा इन्होंने काशी में भी सड़कों के उन्होंने आधार कार्ड अलग अलग हिंदू के नाम से, तो अपना आधार पहचान पत्र हिंदू वाला रखा। तो ये इन्होंने जानबूझ मोनीस पहले हिंदू था, इसका ओरिजिनल नाम है आशीष कुमार गुप्ता, सनाब शिव कुमार गुप्ता। ये 2 साल पहले मोनीस और आशीष इसके फूफा ऑलरेडी मुस्लिम में कन्वर्टेड है।